कोरोना महामारी एक बार फिर देशों में अपने पैर पसार रही है। सिंगापुर, अमेरिका और चीन समेत कई देशों में कहर बरपाने के बाद इसके नए वेरिएंट JN1 ने देश में भी दस्तक दे दी है। केरल में इस नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। उधर कर्नाटक सरकार ने मास्क पहनने की सलाह दी है। महामारी की बढ़ती संभावनाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी 20 दिसंबर को सभी हेल्थ मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाई है। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार केरल राज्य में कोरोना के सप्ताह भर में 3 गुना तक बढ़ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधी बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 20 दिसंबर को समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। केरल में कोरोना मामले के साथ साथ मौतों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कहा है कि केंद्र को भेजे गए आंकड़ों के अनुसार केरल में कोरोना के दैनिक मामले एक सप्ताह में लगभग 3 गुना हो गए हैं, जबकि 1 से 17 दिसंबर तक 10 मौतें हुई हैं। सरकार की चिंता नए वेरिएंट JN1 को लेकर है, जो हाल ही में केरल में एक 79 वर्षीय महिला में पाया गया था। ये कोरोना का सबसे नया वेरिएंट है, जो सिंगापुर, अमेरिका और चीन समेत कई देशों में जमकर कहर बरपा रहा है। 16 दिसंबर को केरल में 302 कोरोना के नए मामले और 4 मौतें दर्ज की गई। इससे पहले 10 दिसंबर को केरल में 109 मामले सामने आए थे। 12 दिसंबर को राज्य में कोरोना केस 200 के पार चले गए और 4 दिनों के भीतर केरला में 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।